दो तीन भाई व्हील्स पे कितना पागल करा उसके व्हील्स पे ने भाई, जाएंगे क्रूज जाएंगे। चलो एक दो तीन। अरे अरे भाई भाई क्रूज तीन तीन यार, उसका व्हील्स पे नहीं लगा। तूने क्यों रोक ली यार? यार नहीं हो पाया ना। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आपको ना फ्रेम में ग्रिल दिख रही होगी और एक लोगो दिख रहा होगा, और कौन सी गाड़ी का है आप सब लोग पहचान चुके हो। तो ये है भाई शेवरले का डीजल रॉकेट, और आज इसके एक ड्रैग रेस लाया हूं मैं। किसके साथ? स्कॉडा की रैपिड के साथ। तो ये जो रैपिड है ना, ये भी हम डीजल रॉकेट कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी डीजल में आती है। ये गाड़ी जर्मन है, और जर्मन की जो इंजीनियरिंग होती है, जो ट्यूनिंग होती है, वो भाई बीएचपी से आप उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। तो आज इन दोनों की मैं ड्रैग रेस लाऊं, दोनों गाड़ियों की, और फटाफट से मैं इंजन स्पेक्स की बात बताऊं। तो ये है डीजल डीएसजी के अंदर, डीएसजी में लैग होता है, वहीं पे ये जो है डीजल टॉक कन्वर्टर के अंदर है। इसमें जितना लैग है उतने व्हील्स पे नहीं है। गाड़ी ऑटोमेटिक में बहुत प्यार से मार जाती है। तो इसकी पावर स्पेक्स की बात बताऊं मैं, 110 bhp और 250 nm का टॉर्क है। वहीं पे जो क्रूज की बात करूं, तो भाई 2000 cc का डीजल का इंजन तो इसका आता है। और पावर बताऊं भाई मैं अपनी क्रूज की, तो 2000 cc का इसका डीजल का इंजन आ जाता है, जो निकालता है 165 bhp और 380 nm का टॉर्क, 380 nm टॉर्क सडान में, नीची गाड़ी में। हालांकि ये नहीं कहूँगा हल्की, भाई बहुत भारी गाड़ी है, दोनों गाड़ियाँ बहुत भारी है वजन में, ठीक है, जितनी दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा अंत भारी गाड़ियाँ हैं ये। और देखते भाई ड्रैग रेस करके, और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है यार क्रूज़ को जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लैग नहीं है, इस गाड़ी में लैग है। और क्रूज़ इज़ अ क्रूज़, पर इस गाड़ी में लैग आता है तीसरे गियर में आसपास, जब दूसरे से तीसरा ये शिफ्ट होता है इसमें ऑटोमेटिक में। तो करते हैं ड्रैग रेस, पता लगाते कौन सी गाड़ी कितनी आगे जाती है। मेरे पैसे लग गए हैं क्रूज़ पे, जोक से पार्ट। तो देखते कौन सी गाड़ी कितने आगे निकलती है। चलो तो भाई फर्स्ट राउंड जो है ना, इसमें रैपिड में मैं बैठ चुका हूँ। डी पे रहेगी, ट्रैक्शन ऑन रहेगा, एसी ऑन रहेगा पहले राउंड में, उसके हिसाब से फिर देखते हैं भाई क्या कुछ फर्क रहता है दोनों गाड़ियों के बीच में। और हम जो है तीन बैठेंगे, उसमें जो है दो जने बैठेंगे, अलावा तुम्हारे साथ बैठेगा अभी। आ जाओ रैपिड में, जो हम तीन लोग बैठेंगे, तो रैपिड में हम आ चुके हैं भाई। अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। उसका लॉन्च बहुत तगड़ा होने वाला है, तो इसमें जो है वैसे ही करेंगे, दो पे ब्रेक छोड़ देना और ब्रेक छोड़ के पंजे पे पैर, ठीक है। एसी ऑन है भाई, और ट्रैक्शन एसी ऑन कर लो, ट्रैक्शन ऑन कर लो, ट्रैक्शन जो ट्रैक्शन है। तो करते भाई पहला राउंड, तीन जो है, तीन दो एक, या एक दो तीन जो है मैं ही करूंगा, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, कर दियो मैं सबकी बात सही। एक दो तीन भाई व्हील्स पे कितना पागल करा उसके व्हील्स पे ने भाई, जाएंगे क्रूज जाएंगे भाई। उस गाड़ी में दिक्कत है, पर फिर भी क्रूज ही आगे जीत रही है। आज क्रूज पहली बार जीती है, मजाक की बात नहीं। मार लो भाई ब्रेक, लेने चाहिए भाई। यार फिर भी जब इतना गैप बन रहा है तो सब सही था भाई। एसी ऑन था, थोड़ी थोड़ी ज्यादा है वो स्पिन में ना। हां एसी ऑन था, ऑन ही रहने दो भाई, आज तो जीत। तो भाई सेकंड राउंड, पहला जो राउंड था उसमें क्रूज अच्छे से जीत चुकी है। अब जो है ड्राइविंग सीट पे अलावत आ रहा है, और क्रूज जो है क्रूज का एसी ऑफ कर रहे हैं हम, अपनी का भी एसी ऑफ करते हैं, ट्रैक्शन ऑफ कर लेते हैं। ओके गाइस, गाइस तो गाइस अब हमने जो है सीट बेल्ट पहन ली है। ओके गाइस, अब हमने ट्रैक्शन भी जो है वो बंद कर दिया है। ओके गाइस, इसको हमने जो है डी पे लगा दिया है, डी पे लगा दिया है, और हम एबर वाइपर चला लेते हैं। थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग हो रही है, तो रेडी हो ना। चलो एक दो तीन। अरे अरे भाई भाई क्रूज क्रूज ही जाती है भाई, देख लो तो कूदती हुई जाती है, कोई तो राय नहीं है भाई।
मेरे सिनेमैटिक शॉट्स क्यों खराब कर रहा है तू? मैं चलाऊंगा। क्यों चलाएगा? क्यूआर क्रूज या क्रूज उस वाली टीम को इसमें भेज देते हैं, चेक कर लो, कर लेते हैं, करके देखते हैं क्यूआर। अरे इसका स्पोर्ट्स लगा लेते हैं, टीम जो है बदल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। तो भाई सेकंड राउंड की जो विजेता है वो भी क्रूज रही है, और अब की बार क्या कर रहे हैं, ड्राइवर उसका चेंज कर रहे हैं। उस गाड़ी में तीन जने तो बैठे ही बैठेंगे, इसमें हम अब की बार दो ही रहेंगे, और इसमें जो है स्पोर्ट्स वाला मोड हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है ड्राइवर बदल रहे हैं। तो भाई जो फाइनल राउंड है ना, उसमें अब इसमें ट्रैक्शन ऑफ कर लिया है, स्पोर्ट्स मोड लगा लिया है, एसी भी ऑफ कर लिया है। तीन जने हम अभी भी इसमें हैं, दो जने अभी भी क्रूज में हैं। तो आखिरी राउंड है, अब देखते हैं कैसा कुछ कितना कुछ फर्क आता है। स्पोर्ट्स मोड का ही फर्क है अब के बाद। तो एक दो तीन, भाई जल्दी छोड़ दी ना, हुआ फर्क नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई अभी तक हम कर चुके हैं तीन राउंड क्रूज और रैपिड के बीच में, और परिणाम क्या कुछ निकला है, सारा परिणाम एक तरफा क्रूज के फेवर में गया है। रेस के शुरुआत में ना हमारी बातचीत हो रही थी, सब ने बोला कि रैपिड जाएगी, मैं अकेला था जिसने बोला क्रूज जाएगी। भाई लग ही रहा था गाड़ी ये जो है ना अमेरिकन मसल कार, इसकी बात ही निराली है, और ये तो ऑटोमेटिक थी, मैनुअल होती तो केस ही अलग हो जाता। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस आपके लाता रहूँगा। तब तक ले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और पसंद तो आई होगी यार आप लोगों को। तो ऐसी रेसेस आपके लाता रहूँगा, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।